सबुठू दीर्घ समय धरी शासन क्षमतारे रहिले नवीन पटनायक 24 वर्ष 3 मासर लंबा शासन काल इस्तफा देछंती नवीन राजभवन रे राज्यपाल को भेटी इस्तफा पत्र प्रदान करछंती 2000 मसीहा मार्च 5 तारीख रे प्रथम थर पई मुख्यमंत्री भाव रे शपथ ग्रहण करथिले नवीन पटनायक ठीक 24 वर्ष 3 मास रे मुख्यमंत्री पद रु इस्तफा देले ओडिशा इतिहास रे नवीन पटनायक राज्यर सबुठारु लोकप्रिय तथा दीर्घ समय क्षमतारे रहितबा मुख्यमंत्री बीजेडी पराजित होइथिले मध्य ओडिशावासीक हृदय रे अछंती नवीन शासन अवधि कु नै राज्य एवं देश रे अनेक रेकर्ड को भांगिछंती नवीन राज्य रे सबुठ अधिक दिन शासन क्षमतारे रही जानकी वल्लभ पटनायकक रेकर्ड भांगिछंती देश रे मध्य बहु रेकर्ड भांगिछंती नवीन ज्योति बसुक भली लंबा अवधि धरी मुख्यमंत्री पद रे थिबा अनेक नेताक रेकर्ड भांगिछंती षष्ठ थर मुख्यमंत्री होइथिले सबुठ लंबा अवधि रो मुख्यमंत्री भाबरे नुवा कीर्तिमान स्थापन करिथांते आम सहित रिपोर्टर अमय सिंह अमय रंजन सिंह अच्छा अमय गोटे पटे मुख्यमंत्री ये चिराचरित प्रक्रिया जितेबले मता जनादेश आसे तापर मध्य प्रक्रिया स्वाभाविक भाव में परिचालना होता है चलित थर मध्य से समान चित्र देखा मिले कि नवीन पटनायक क्षेत्र में 24 वर्ष 3 मास पर से इस्तफा देते कौन से लंबा समय मुख्यमंत्री भाव में कीर्तिमान रचिंट अमय देखो तो राधा जो कथा आप कहते 2000 रु 2019 कथा टे कहूँ 2024 वर्ष दीर्घ शासन जो आम छोटे से गोटे कथा ना शुणी आसते जो निर्वाचन कथा आसे फलाफल कथा आसे बीजेडी संख्यागरिष्ठ हासिल करते मुख्यमंत्री प्रिय नवीन पटनायक था ये जो किसी समय रही अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तन हवा और जनादेश को सम्मान जोड़ा ये हूँ गोटे नियम कहे कि इस्तफा प्रदान इस्तफा दे बर्तन नवीन बास पहुंच सारी पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो आप दुई दुईट प्रतिक्रिया बोध हुए राधा शुनी पारती जो संजय दास वर्मा क्या कहु प्रताप जेना क्या कहु एम वरिष्ठ नेता मैंने किसी समय पूर्व आसी नवीन नवास पहुंचते केवल ये दुई जन नुहत अरुण साहू बबी दास रही है और बीजेपी नेता कार्तिक पांड्यान उपस्थित रही है तो गोटे आलोचना है उभय नेता गोटे प्रतिक्रिया आसी जनादेश को आम स्वीकार करुँ सम्मान जनाऊु ओडिशावासी को धन्यवाद दौ जो सेवा कर सुजोग देते कि दल ने बर्तमान आगामी रणनीति कौन हम कहीं गोटे विपर्य घटला कौन कौटी समस्या रहा कौटी कौटी कमी रहा जहाँफल कि ये बड़ गोटे पर आसला ताक समीक्षा करेहतु बर्तमान ये भी अन्य पक्ष कहे जेहेतु नुआ शासन नुआ भाव सरकार गठन करने को जाऊँच भाजपा बा बीजेपी से शुभेच्छा जनई अभिनंदन जड़ किंतु दल ने बर्तमान कौन सारा जेपर्यंत राजनीतिक चर्चा आलोचना रोथ्व से पर्यटन मानव पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निश्चित पाके लोक हृदय रे सहित रही गोटे दल बर्तमान से दल भूमिका कौन रोभ दल परिचालना हेबं लोकों पर बर्तमान दल भूमिका कौन विरोधी दल भूमिका निर्वाह करूँ ना कहीं निश्चित पक्ष राधा जो कथा आपड़ कौन विरोधी दल भूमिका से कथा कल प्रेस मीट में जो सशील पात्र कथा कहु सुलता देव कथा कहु कि मानस मंग्राज कथा कहु प्रेस मीट से सीधा सड़क बार्ता देते ये जो नुआ दायित्व देखते ओडिशा 4.5 कोटी ओडियावासी जो नुआ दायित्व देते विरोधी दल कथ जो कथ कहते सुचारू रूपे तुलाइबे और जो सेवा निरंतर सेवा रही है ओडिशा प्रति ओडिशावासी प्रति ये जो सेवा आगू अब्याहत रे जो नुआ सेवा नुआ दायित्व सेवा कर जो आउ गोटे दिग रही आउ गोटे दायित्व अर्पण करपूर्ण रोचे कि बर्तमान समय हूँ जो नवीन निवास बाहर गोटे राजनैतिक दल अवश्यम्भावी भाव विचाराधरा जाए कारण जनादेश जनसाधारण गोटे सरकार को क्षमता दिखती गोटे सरकार को क्षमतार हटाई दिखती कितु अमय बीजेडी सुप्रिमो विजु जनता दल ये रणनीति बर्तमान विधानसभा किभली प्रतिफलित हो जो दल सरकार सहित रही बर्तमान क्षेत्र में तापाई गोटे नुआ दायित्व ये निश्चित पक्ष राजस्थान जो क्या कहते हैं आप आलोचना करुले 2000
मार्च पांच आदि मध्य से पांच तारीख ये चौबीस बर्ष दीर्घ दिन जो गोटे समय रही क्षमतार थिला सरकार विधानसभा कथा कहु विभिन्न विभिन्न क्षेत्र कथा कहु शासन में रही विभिन्न योजना कथा कहु लोकाभिमुखी कल्याणकारी योजना कथा कहु वर्तमान विधानसभा से विधानसभा को जब कितु टी पर विरोधी दल मुख्य विरोधी दल भूमिका नव बर्तमान बीजेडी ये कथा रोचे जो बर्तमान स्ट्राटेजी कौन रगो को किभली भाव में गुरु दायित्व किभली निर्वाह करेंगे परवर्त समय सारा देश में गोटे चित्र हुए जोठी कौन प्रकार पॉलिटिकल कौन राजनीतिक चर्चा हुए नवीन पटनायक ना आए चाहे जातीय मंच में हो सही समय वर्तमान लोकप्रिय नेता तालिकार नवीन पटनायक लंबा समय धरी शासन कर दल आजिका दिन में लोकों सहित रही दल विजु जनता दल और से दल सुप्रीम को विषय में ढेर चर्चा हुए वर्तमान क्षेत्र में आज 24 वर्ष तीन मास शासन क्षमता रहा पर आज नवीन पटनायक इस्तीफा देते बहुत बहुत धन्यवाद तुम सूचना पर आम सहित अम्यरंजन सिंह रही रिपोर्टर।